नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 85 और मैं हूं अनिल। आज हम लोग बक्सर में हैं, कांग्रेस समाज पार्टी के जिला चुनाव कार्यालय में है और आज हमारे साथ कैमूर जिला के जिला परिषद के चेयरमैन वकील यादव, इनसे बात करेंगे बक्सर लोकसभा चुनाव के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे। सबसे पहला सवाल है ये कि इस बार बक्सर के चुनाव में बक्सर लोकसभा चुनाव में मुकाबला कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, हमारे अजीत मित्र बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष महासचिव हैं सुशील कुशवाहा जी, हम तो देख रहे हैं कि हमारी लड़ाई इस बक्सर पार्लियामेंट में किसी से हमारी लड़ाई नहीं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस देश में संत महापुरुषों के विचारों पर आस्था रखती है और बहुजन समाज पार्टी इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना कर रही है। बहुत दिनों तक इस बिहार राज्य में 15 साल लालू यादव ने भी शासन किए और करीब करीब 15 साल से नीतीश इस बिहार सूबे की मुखिया नीतीश कुमार ने शासन किया, लेकिन जो बिहार की आज हालत ऐसा है, क्या बक्सर पार्लियामेंट के आम से भी पूछिएगा तो बक्सर में क्या विकास हुआ है तो लोग आपको बारीकी से बताएंगे। यहाँ तक बहुत दिनों तक जगता बाबू ने भी 5 साल तक राज्य किया, इसके बाद उनके बाद भारत सरकार के उप स्वास्थ्य मिनिस्टर अश्विनी कुमार चौबे जी ने भी, लेकिन आज इस देश में इस बक्सर पार्लियामेंट में बेरोजगारी की बहुत समस्या है। बक्सर पार्लियामेंट के लोग बहुत सारे यहाँ से बाहर के लिए, चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, कलकत्ता हो, वहाँ प्लान हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के जो बहन जी द्वारा आगे आशीर्वाद प्राप्त हैं, वो जनहित की समस्याओं का निदान इस बोर्ड पर करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी संत महापुरुषों इस देश के संविधान निर्माता हमारी रहबर बहन कुमारी मायावती जी के विचारों पर चलते हैं और हम लोग अपने संविधान के बताए गए रास्ते पर चलते हैं। और जो आज इस देश का जो संविधान है, इस देश का संविधान खतरे में और इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता साक्षी महाराज ने बोला कि 2019 के बाद इस देश में कभी चुनाव नहीं होगा, तो हमको लगता है कि इस देश में जो पहले जैसे 1930 इस देश में लागू था, आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग लागू करना चाहते हैं। चुनाव में मुद्दा क्या होगा आपके जो प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी कुशवाहा जी, तो इन मुद्दों पर चुनाव मैदान होता है? उनका मुद्दा होगा मूल रूप से विकास, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों ने सांसद बना लेकिन यहाँ का विकास अधूरा है। यहाँ न कोई सिंचाई की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है और यहाँ तक नहीं, इस देश में अमूल धरोहर शिक्षा है। आज तो हम बक्सर ही पार्लियामेंट नहीं, पूरे बिहार की शिक्षा चौपट हो गई। मैं भी कैमूर जिला से आता हूँ, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था नगण्य है, क्योंकि जो हमारे जो बंद दरवाजे हैं, अगर इसको कोई खोल सकता है, चाहे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो संविधान है, अगर वो संविधान कि अगर हमें जानकारी प्राप्त करना है तो शिक्षा, अगर शिक्षा ही नहीं अगर जिस व्यक्ति के अंदर है तो उसकी जो सारे जो बंद दरवाजे जो सारे उसके बंद दरवाजे। तो सुशील कुमार कुशवाहा जी के बारे में कहा जाता है कि लंबे समय से पिछले तबके के लोग हैं, उनके जो अत्याचार होता था उनकी लड़ाई लड़ते रहा है, आपको क्या लगता है? कुछ नेता होते हैं कि सदन में जाने के लिए सरकार करते रहते हैं, सदन में जाने के बाद जनता करते हैं, तो आपको क्या लगता है सुशील कुमार कुशवाहा सदन में जाने के बाद अन्य नेताओं की तरह है? सुशील कुशवाहा जो हमारे आज बहन जी ने जिन्हें यहाँ का लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, सुशील कुशवाहा जी एक गांव के रहने वाले हैं, क्योंकि भारत देश गांवों का देश है, आधा से अधिक आबादी हमारे गांवों में बसती है और सुशील कुशवाहा एक वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बूथ के स्तर में काम करने का काम करते थे। मैं उनको भली भांति जानता हूँ क्योंकि मैं उनके साथ बहुत दिनों तक
संगठन में काम करता है। सुशील कुशवाहा, एक कहावत है कि जेके पाँव में बटे बवाई उनका जाने पीठ पर। सुशील कुशवाहा जी के बारे में मुझे अच्छी तरह से गहराई से उनके कुशल नेतृत्व के बारे में मुझे जानकारी, क्योंकि वो उस गरीब परिवार से आते हैं जिनके पास दो वक्त खाने के लिए रोटी नहीं था। तो मैं सुशील कुशवाहा जी से मैं उनके करीबी रहते थे, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ कि सुशील कुशवाहा अगर इस बक्सर पार्लियामेंट में चुनाव जीतकर जाएंगे तो जनता के बीच में रहेंगे और जनता की समस्याओं को लेकर के इस बक्सर पार्लियामेंट की आवाज़ दिल्ली के पार्लियामेंट में उठाने का काम करेंगे। क्योंकि आज यहाँ पर जो कुछ भी जनहित की समस्याएं हैं सारे, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा की बात करें, चाहे विकास की बात करें, चाहे सिंचाई की बात करें, आज सारे व्यवस्था यहाँ पर चौपट है। क्योंकि यहाँ पर बहुत दिनों तक इस बिहार में बहुत 15 साल तो यहाँ पर जगदा बापू मैंने सिंचाई मंत्री के रूप में बहुत सारे दायित्व का निर्वहन किया, लेकिन आज जब वो लोग चुनाव लड़े, चाहे अश्विनी कुमार जी चौपे लड़े, चाहे वो जगदा बाबू लड़े, जो अपने गृह क्षेत्र जो रामगढ़ जो विधानसभा है उनको भी अगले पार्लियामेंट में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ददन पहलवान चुनाव लड़े, करीब करीब उनको 10,000 मतों से हराए। उसके पहले बहुजन समाज पार्टी के सुहा जी लड़े, वो भी श्यामलाल कुशवाहा जी ने उनको करीब करीब 4-5 हज़ार मतों से उनके क्षेत्र में, उनके गृह क्षेत्र में रहा। तो हमको नहीं लगता है कि जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में काम करेगा, सिंचाई शिक्षा सुरक्षा की काम करेगा, तो अपने क्षेत्र से चुनाव नहीं हारेगा। लेकिन जब जब हमने देखा है, जब जब पार्लियामेंट के चुनाव, चाहे वो अश्विनी चौबे जी रहे हों, चाहे माननीय जगदा बाबू रहे हैं, वो अपने गृह क्षेत्र में चुनाव हारे। लेकिन इस बार हमें लगता है कि रामगढ़ के जनता सुशील भाई को लगता है कि कम से कम 20,000 ज़्यादा मतों से वहाँ से अपने रामगढ़ विधानसभा से चुनाव जिता करके देंगे। क्योंकि सुशील भाई एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, जब जब भी बहुजन समाज पार्टी के लोगों पर अत्याचार अगर हुआ तो सुशील भाई ने अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के उनकी आवाज़ को जिला के जिला पदाधिकारी हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, चाहे जिस क्षेत्र में, उन्होंने उनकी आवाज़ को उठाने का काम किया। इस बक्सर पार्लियामेंट के सारे बहुजन समाज या स्वजन समाज के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इस देश में अगर संविधान को सुरक्षित रखने वाला कोई अगर इस देश में अगर दल है तो वह एकमात्र दल है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी इस देश में ये संत महापुरुषों के विचारों के आस्था रखने वाली बहुजन समाज पार्टी है। वो इस देश के संविधान के अनुरूप चलती है और आज बहुजन समाज पार्टी को इस देश में जरूरत है। क्योंकि इस देश का संविधान खतरे में, जो संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने दिया, मैं भी अगर जिला परिषद का अध्यक्ष हूँ तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने दिया, तो मैं अक्सर पार्लियामेंट के सारे महानुभाव लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों की शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहते हैं, रोजी रोटी कपड़ा आवाज चाहते हैं, तो आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई सुशील कुमार कुशवाहा जी को भारी मतों से जिता करके इस देश की रहबर और हम लोगों की आदरणीय नेता बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का आप लोग सारे लोग मिलकर के काम करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय भीम, जय भारत। तो ये थे भगुआ जिला के चेयरमैन वकील यादव।